अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला के फजल और उसके करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 17 अगस्त है, 2022 है, और रूटीन की तरह सबसे पहले हम फंडामेंटल को देखेंगे कि आज कौन कौन से फंडामेंटल आने वाले हैं। आज वेनसडे का दिन है और आज वेनसडे वाले दिन काफी इंपॉर्टेंट और हाई इम्पैक्ट के फंडामेंटल आने वाले। जिसकी बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉलर के फंडामेंटल है, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं 5:30 पर पाकिस्तानी टाइम पर। उसके अलावा FOMC मेंबर की स्पीच है, बिजनेस की बात होने वाली है, मिनट्स रिलीज होंगे रात को 11 बजे, जिसमें जो है वो डॉलर की मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट या उसकी जो चीजें हैं वो नेगेटिव होने वाली हैं। उसके अलावा हम बात करें तो यूरो के हवाले से अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है एंड पाउंड के हवाले से जो है वो CPI कोर CPI जो है वो डाटा आने वाला है। तो इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में अल्ट्रा हाई एक्टिविटी होने वाली होती है तो मार्केट हमेशा जो है वो स्लो मोमेंट पर चली जाती है और उसके साथ साथ जो है वो मार्केट में बिल्कुल मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाता है। तो हो सकता है कि मोमेंटम आपको नजर आए, बट स्लो स्लो मोमेंटम नजर आए, लेकिन उसके साथ जो है वो आपको आफ्टर द न्यूज जो है वो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो नजर आ सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का अगर हम यहाँ पे मोनिटर करें तो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि प्राइजेज में ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर लेवल मौजूद है, लेकिन हम यहाँ से सेल मारेंगे। लेकिन किस तरह करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी जो है वो SL हंटिंग देखने को मिलेगी, स्टॉप लॉस कैच होंगे, हो सकता है कि न्यूज के टाइम पर हो एंड देन जो है वो फिर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू किया जाए। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद प्राइजेज जो है वो पुल बैक करेंगे, उसके बाद सेलर की कंफर्मेशन आएगी H1 में एंड देन हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं टिल दिस पॉइंट तक, या इसको थोड़ा सा लंबा भी प्ले कर सकते हैं, यानी कि इसको लंबी भी सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यूरो के हवाले से तो यूरो का भी सेम ही जो है वो फंडा है। यहाँ पर अगर आप मॉनिटर करें तो ऑलरेडी एक काफी अच्छा जो है यहाँ पर लेवल मौजूद है, जिसमें काफी ज्यादा प्राइजेस में जो है यहाँ से अमूमन जो है वो सेलिंग पॉइंट जो है वो बने हुए हैं। उसके साथ ये क्लियरली एक SL हंटिंग पॉइंट है जहां पर हमें SL हंटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। यूरो के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यूरो के अंदर हमें थोड़ा सा जैसा वहां पे रिव्यू है वैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि प्राइजेस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो SL हंटिंग परफॉर्म, उसके बाद जो है वो फिर हमें नीचे आते हुए दिखाई देंगी इस लेवल को होल्ड करने के बाद, हमने देन जो है वो यहाँ से सेलिंग करनी है। उसके बाद बात की जाए पाउंड के लिहाज से तो पाउंड के अंदर भी सेम ही जो है वो स्नैरियो दिखाई दे रहा है हमें कि फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी एक यहाँ पर कंसोलिडेशन है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है वो पड़ी हुई है। तो जो प्राइजेज हैं अमूमन ये भी वही वाली गेम करेंगी, लेकिन इसमें थोड़ी ज़ाहिर है एक बड़ी SL हंटिंग हो सकती है एंड देन जो है वो प्राइजेस फिर कंटिन्यू एंड देन ब्रेक एंड देन जो है वो नीचे की तरफ जो है वो अपने मोमेंटम को शिफ्ट करेंगी। तो पाउंड के अंदर थोड़ा सा हमें मजीद जो है वो वेट करने को मिल सकता है। USD के हवाले से बात की जाए तो अगर आप डॉलर वीक हो जाता है तो सबसे पहले जो है वो हमें स्टॉक मार्केट में जो है वो गिरती हुई नजर आएगी, और ऑलरेडी एक यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो छोटी सी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर ये प्राइजेस ये जो पॉइंट है ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद टेस्ट एंड होल्डिंग सेलर की कंफर्मेशन, देन हम जो है यहाँ से सेल करेंगे टिल दिस पॉइंट तक। तो ये हमारे पास जो है वो 4 पेयर हैं आज के दिन के ट्रेड करने के लिए, लेकिन न्यूज से पहले अगर ट्रेड मिले उसके पहले आपने प्रॉफिट बुक करना है और खास तौर पर या तो ब्रेक इवन कर देना है न्यूज के बाद या आप ट्रेड कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।